हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजियो डोज। सो आज का डोज है हमारा काइनेसियोलॉजिकल टर्म्स। ओके, सो ये 10 पॉइंट्स जो हम बेसिकली यूज करते हैं वो मैंने निकाल के यहाँ पे लिखे हैं। अगर कोई अदर देन कोई रह जाता है प्लीज कमेंट बिलो, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन इट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम देखेंगे बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स हम किसे कहते हैं? मैकेनिक्स वो होता है जो इंजीनियर्स मशीन्स पे पढ़ते हैं, बट बायोलॉजिकली हम अगर अपने बॉडी के मैकेनिक्स को देखा जाए, उसके मूवमेंट्स को, उसके मूवमेंट्स को, जॉइंट्स को अगर हम लर्न करें तो इसे बायोलॉजिकल बायोमैकेनिक्स कहा जाता है। ओके, सो सेकेंड टॉपिक है हमारा काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स। सो काइनेमैटिक्स में सबसे पहले हम लिखेंगे मसल वर्क, जॉइंट और बोन्स के मूवमेंट। ओके, और काइनेटिक्स में लिखेंगे मोशन एंड फोर्सेस। सो काइनेमैटिक्स में हम कैसे लिखेंगे? अगर मैंने सेक्शन किया बॉडी का तो इसमें कौन से मसल्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बोन्स कौन सा सपोर्ट कर रहा है और बोन्स में मूवमेंट कौन सा हो रहा है। ओके, तो शोल्डर जॉइंट है और फ्लेक्शन मूवमेंट हो रहा है, ये सारी चीजें इंक्लूड करेंगे हम काइनेमैटिक्स में। ओके, एंड नेक्स्ट काइनेटिक्स में हम देखेंगे मोशन ऑफ फोर्सेस। अब कौन से एक्सिस में, कौन से प्लेन में मूवमेंट हुआ है, कौन से फोर्सेस, एंटी ग्रेविटी, ग्रेविटी, ये सारे फोर्सेस जो भी इंक्लूडेड होते हैं उसे कहा जाता है काइनेटिक्स। नेक्स्ट इज थेरेपी। थेरेपी इज वेरी इजी वर्ड विच इज कॉल्ड ट्रीटमेंट। ओके, सो नेक्स्ट इज री एजुकेशन। कोई भी चीज जो पहले से सीखी हुई है बट नाउ द टर्म इज लॉस्ट। ओके, ये मेमोरी लॉस हो चुकी है, जस्ट लाइक ब्रेन की मेमोरी नहीं, जैसे मसल्स, नर्व्स, इन सारी मेमोरी चली जाती है कि उन्हें काम कैसे करना है। जस्ट लाइक मेरे फोर आर्म के मसल्स, अब पैरालिसिस हुआ है मुझे और ये सारे मसल्स को नहीं पता कि अब मुझे ये फ्लेक्शन और ये एक्सटेंशन करना होता है। तो ये सारी चीजों को रीगेन करने के लिए, अगेन उनके मसल्स को बताने के लिए कि ये आपके एक्शन है, तब हम डिफरेंट इलेक्ट्रिकल मोडलिटीज भी यूज करते हैं और बायोमैकेनिक्स भी यूज करते हैं, तो उस तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो उस टर्म्स को कहा जाता है रीएजुकेशन। ओके, टू रीएजुकेट अगेन। नेक्स्ट इज मैनुअल। मैनुअल में हम देखेंगे मूवमेंट डन बाय अ हैंड। आप काइनेसियोलॉजी में काफी सारे ऐसे मूवमेंट्स और ट्रीटमेंट्स आप देखेंगे जो हैंड के थ्रू किए जाते हैं। हम मसल्स की टेस्टिंग करते हैं, ओके, और ट्रीटमेंट करते हैं कि कितना रेंज ऑफ मोशन है, कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, ये सारा देखने के लिए हैंड वर्क यूज होता है, दिस इज कॉल्ड मैनुअल। नेक्स्ट इज पोजिशन। पोजिशन हम देखेंगे थेरेपिस्ट की पोजिशन एंड पेशेंट की पोजिशन। ये दो पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि पेशेंट भी अनकंफर्टेबल ना हो और थेरेपिस्ट जो है वो भी कंफर्टेबल हो मूवमेंट्स कराने में पेशेंट को। नेक्स्ट इज ट्रिकी मूवमेंट। ट्रिकी मूवमेंट हम देखेंगे कि अगर हमारे बॉडी के कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट हो जाते हैं, इफ द पेशेंट इज हैविंग पेन, तो जो कन्वीनियंट मूवमेंट हमें चाहिए होते हैं, रेंज ऑफ मोशन जो नॉर्मली होना चाहिए वो हमें अचीव नहीं होता है, वो हमें नहीं मिलता है, तो वो चीज करते टाइम अगर हम ट्रीटमेंट चालू कर रहे हैं तो पेशेंट को पेन होगा, तो वो रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करने के लिए दूसरे मूवमेंट्स भी करते हैं। जस्ट लाइक अगर मुझे फ्लेक्शन करना है तो ये मेरा नॉर्मल मूवमेंट है, ओके, ये, बट अगर मुझे पेन है और मेरा रेंज ऑफ मोशन सिर्फ यहाँ तक है तो मेरा बैक जो है मुझे सपोर्ट करेगा ये मूवमेंट करने के लिए, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो ये मूवमेंट अवॉइड करने के लिए हम सबसे पहले स्टेबलाइज करेंगे, विच इज दिस स्टेबलाइजेशन। तो हम अदर पार्ट को स्टेबल करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टेबलाइजेशन, और जो एक्स्ट्रा मूवमेंट हो जाती है दैट इज कॉल्ड ट्रिक मूवमेंट। नेक्स्ट इज मोबिलिटी, विच इज कॉल्ड मूवमेंट्स, जो बेसिकली आपको बहुत सारे वर्ड यूज होंगे ट्रीटमेंट के दौरान। नेक्स्ट इज असिस्ट। कोई भी मूवमेंट अगर पेशेंट नहीं कर पा रहा है, हम उन्हें हेल्प कर रहे हैं करने में, मतलब इट इज विद द हेल्प ऑफ थेरेपिस्ट द पेशेंट कैन अचीव द रेंज ऑफ मोशन वॉट एवर द रिक्वायरमेंट इज, तो उसे कहा जाता है असिस्टमेंट। बट अगर हम अपोजिट फोर्स से रोक रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। सो दैट्स इट गाइस, ये सारे टर्म्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, एंड इफ यू फील एनी थिंग्स विच आई लेफ्ट सो यू कैन कॉमेंट बिलो। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।